हेलो बच्चों, मुगल एम्परर के अगला जो अकबर का लेक्चर चल रहा था उस पे हम वापस आए हैं। अकबर का पहला सेगमेंट आपको हम पढ़ा चुके हैं। अकबर का दूसरा सेगमेंट है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी पॉलिसीज को रन करते थे। देखिए, मुगल पीरियड में सबसे प्रमुख शासक अकबर को माना जाता है और इन्हीं को द ग्रेट अकबर भी बोला जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं इस समय के। अब इनके बारे में क्या है, अकबर का कॉन्सेप्ट किंगशिप का था, जो पर ए इजादी इस पे था, मतलब किंगशिप इज द रे ऑफ लाइट एनिमिनेटेड फ्रॉम गॉड। ये कहते हैं जो किंगशिप है, जो राजशाही है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। मतलब राजा कोई भी नहीं बन सकता, राजा वही बन सकता है जिसे अल्लाह ताला चाहेंगे, वही शासक बनेगा और कोई शासक बन नहीं सकता। अकबर ऑर्गेनाइज द नोबिलिटी एंड हिज आर्मी बाय द मीन्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम बनाई। अच्छा, मनसबदारी सिस्टम बेटा दो भागों में बटी थी, जात और सवात। अब इसमें क्या है, जात जो थी वो क्या करती थी, इनका स्टेटस फिक्स करती थी। जैसे 5,000 जात के एक मनसबदार है, तो 5,000 क्या हो गए इनकी रैंक, ये 5,000 स्टार के मालिक है। सवार का मतलब हो गया इनको कितने घुड़सवार रखने। तो कभी कभार जात ज्यादा होती थी, सवार कम होती थी, बट ये याद रखना जात कभी भी सवार से है ना कम नहीं हो सकती। मतलब जात 100 हो जाए और सवार 150 हो जाए, ये नहीं होगा। जब भी होगा जात सवार या तो बराबर होगी या जात ज्यादा होगा, सवार कम होगी। सॉरी। और ये जनरली डिपेंड करता है उस क्षेत्र पे जहां सैनिक रखने। अगर एक शांति प्रिय देश है, राज्य है मुगल का, तो मनसबदारियों को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था, वरना करना पड़ता था। हर सवार को मनसबदार को एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, 240 रुपए पर सवार अलग से दिया जाता था सैलरी में। जो पर्सन सवार को मेंटेन करता था, ठीक है, उसको पहली कैटेगरी में रखा जाता था, अगर हाफ करता था तो उसे थर्ड कैटेगरी में रखा जाता था। जैसे मान लीजिए बंदे का जात सवार एकदम इक्वल है तो उसकी कैटेगरी नंबर वन होगी, अगर जातन सवार आधे से नीचे है तो वो थर्ड कैटेगरी का ऑफिसर होगा। मतलब रैंकिंग बराबर है जात में, पर सवार कम है तो उसकी ऑफिसर की रैंकिंग बदलेगी। हायर कोटा कभी नहीं मिलता था, जो आपको बताया, सवार कभी जात से ज्यादा नहीं होती थी, और मनसबदारी कभी वंशानुगत नहीं होती थी, राजा जब चाहता था मनसबों को बदल देता था। सवार रैंक को दो स्पेशल फीचर में बांटा गया है। फॉर एवरी 10 कैवेलरी में द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। मतलब ये है जिसे दहाबिस्ती सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक सवार के साथ दो घोड़े होने जरूरी है। मनसबदारी को जागीर दी जाती थी, जिसकी जगह कैश पेमेंट की जगह वो जागीर रखते थे। जागीर होल्डर के पास फिजिकल राइट्स होते थे, लैंड ओनरशिप होती थी, रेजिडेंस रखता था वहां पर, जमा की एस्टिमेट इनकम होती थी जागीर की, हासिल एक्चुअल रियल इनकम होती थी जागीर की। जमा इनकम क्या है, एस्टिमेटेड इनकम है कि भाई इतना होपफुली जमा होगा, हासिल मतलब कितना हमने गेन किया। लेटर पीरियड जमा वाज इन्फ्लेटेड एंड द ऑफिसर नॉट गेट द रिक्वेस्ट हासिल टू लेट जागीरदारी क्राइसिस। अब जैसे जमा बढ़ गया और जो हासिल था वो कम हो गया, तो इससे क्या हुआ कि एम्पायर गिरने लगा। भाई हमने कहा इस मनसबदार में ज्यादा पैसा आएगा, बट उस मनसबदार के पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो उस मनसबदारी में प्रॉब्लम होगी। राजपूत मनसबदारी थे जो रेजिडेंस और लोकल पावर उनको होमलैंड में सबसे ज्यादा दे रखी थी, इनको पैट्रिनोनियल वतन का खिताब दिया जाता था, जागीर इन्हीं पर साइन की जाती थी, और सिरियुगल और मदद मंशा ग्रांट होती थी जो स्कॉलर्स को और रिलीजियस पीपल्स को दी जाती थी। जो स्कॉलर थे और जो धार्मिक लोग थे उनको ये सारी चीजें प्रॉपर मैनर में दी जाती थी। बच्चों, अब लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे तो अकबर ने शेर शाह का पूरा सिस्टम अपना लिया था। इन्होंने क्या किया, दहशाला को अडेप्ट किया जो टोडरमल ने और मुजफ्फर खान तुर्बाती ने बनाया था। इसमें जब्ती सिस्टम का मेजरमेंट लाया और टोडरमल ने एक बंदोबस्त सिस्टम वहां पे क्रिएट किया। इसमें क्या होता है, एवरेज प्रोड्यूस जो होती है उसके एवरेज प्राइसेस हम निकाल लेते हैं 10 साल से कैलकुलेट करके, और उसी के हिसाब से हम उसका कर बीघे के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 साल में इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, तो हमने कैलकुलेट कर दिया कितने परसेंट प्रोडक्शन 10 साल में हुआ, उसी को कैलकुलेट करके हमने एक एस्टिमेशन उसका निकाला और इसी को हमने यहाँ पर एड कर दिया। The land was divided into पोलच, परौती, छाछर एंड बंजर। पोलच लैंड जिसमें दो क्रॉप्स रेज कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है। परौती जो लेफ्ट ओवर कर दिया जाता था एक साल, छाछर जहां पर एवरी 3 से 4 साल में कल्टिवेशन, और बंजर जहां कल्टिवेशन होता ही नहीं था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको पढ़ने हैं। लैंड रेवेन्यू मल और खराज जाना जाता था, गल्ला बख्शी बंदौली बटोई मेथड थे क्रॉप शेयरिंग के, ठीक है। नानाकार 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस जो था वो अलाउंस दिया जाता था जमींदार को, जिसे नानकार बोलते थे। इसके बाद मलिकाना कंपनसेशन होता था जो इक्विवेलेंट होता था 25% ऑफ द लॉस।
ठीक है, दिखली चरस जो सकिया होते थे यूज फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन के लिए जो कर होता था वो इस तरीके से दिया जाता था। अब देखिए इनके रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट बलहारी और मुजलिस कौन थे। रेजिडेंट एक कल्टिवेशन होते हैं, एक कल्टिवेटर, रेजिडेंट जो है वो ये है ठीक है, कल्टिवेटर है, नॉन रेजिडेंशियल कल्टिवेटर है, पहले जो है खुदा खास ये रहते थे, और कल्टिवेटर है नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर है जो दूर से आए, ये लेबर है, ये लो कास्ट के लोग हैं जो लैंडलेस लेबर हैं। तो ये चार तरीके के यहाँ पर आपको व्यक्ति मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे ये। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है अच्छे से चलाना, वरना यहाँ पर कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन्होंने प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस बनाए थे, है ना। बैरम खान एंड वकील पोस्ट जो थी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे ले आती है, और इसको बाद में डाउनग्रेड किया जाता है, तो ये श्योर करते हैं कि कोई भी ऑफिसर कोई भी इंपॉर्टेंस को अनड्यू ना करे। तो बैरम खान का जो वकील का पोस्ट था वो उस टाइम पे बहुत ताकतवर था, बट इसके बाद इसको रेगुलेट करने की कोशिश की अकबर ने कि इस टाइम पे कोई ऐसा ऑफिसर ना हो जो बैरम खान से ज्यादा ताकतवर बन जाए, बैरम खान जैसा हो जाए। इसके बाद दीवान और वजीर होते थे जो रेवेन्यू संभालते थे, मीर बख्शी होते थे जो मिलिट्री संभालते थे, कमांडर इन चीफ नहीं होते थे बट पेमेंट इन्हें जनरल ऑफ द आर्मी की मिलती थी। मीर समन होते थे, इंपीरियल हाउस होल्ड को देखते थे, सदर रिलीजियस ग्रांट देखते थे, और काजी जुडिशियल डिपार्टमेंट देखते थे। तो ये बेसिक चीजें मुगल के बारे में है जो आपको याद रखनी है। देखिए अगर आप पढ़ी दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सारे लेक्चर आपके काम आएंगे, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट्स ज्यादा बता दिए जाएंगे। अकबर ने एम्पायर को 12 सूबों में बांटा था ठीक है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था इस सूबे का, और ऑल्सो अपॉइंटेड टू गवर्नर्स इन वन प्रोविंस। एक प्रोविंस में कितने गवर्नर थे, दो। जब ये मरे थे उस टाइम पे 15 सूबे हो, 12 से स्टार्ट किया था, इनके मरते समय 15 सूबे हो गए थे। हर एक सूबे को कई सारे सरकार में बांटा जाता था, और सरकार को फिर हम आगे जाके किसमें बांट देते, परगनास में। तो सबसे पहले सूबे थे, सूबे के नीचे सरकार थे, सरकार के नीचे परगनास थे, और परगनास के नीचे फिर गांव आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो परगना है गवर्नर सूबेदार होते थे, दीवान होता था, मीर बख्शी होता था, सदर काजी ये सब रखे जाते थे, और ये वकिया नाबिस जो होते थे न्यूज रिपोर्टर होते थे, इनको अपॉइंट किया जाता था हर एक प्रोविंस में। अब उन प्रोविंस में कोतवाल भी होता था जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। तो क्या है, अकबर ने ये कोशिश की थी कि रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चले और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चले, तो उसने इसके लिए पूरा काम किया। अब रिलीजियस आइडिया इनके क्या थे, अकबर एक अरबी आइडिया था वहादत उल वजूद, वहादत उल वजूद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने पीस फॉर ऑल, है ना, सुलह कुल एक चीज है जो कि कुरान में लिखी हुई है, उसको इन्होंने बहुत कैलकुलेट किया। 1562 में इन्होंने कन्वर्टिंग जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको रोक दिया, कि जो पकड़े जाते थे युद्ध में उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था, बंद कर दिया। पिलग्रिम टैक्स 1563 और जजिया 1564 में बंद किया। 1575 में इन्होंने इबादत खाना फतेहपुर में खोला और सबके लिए खोल दिया, जिसमें पुरुषोत्तम दास हिंदुओं से, महाराज जी राणा पारसी, हरी विजय सूरी जैन, मोनेस्ट्री एंड कुवाना क्रिश्चियंस, और ये सारे लोग यहाँ पर आए, और ये सबके लिए ओपन रहा ठीक है। बाद में पहले ये इनिशियली मुस्लिम्स के लिए ही था, इसके बाद 1578 से सबके लिए खोल दिया और सब लोग यहाँ पर डिबेट करते थे। अकबर ये मानते थे कि अगर रिलीजियस आइडियाज मिलते हैं तो कुछ अच्छा विचार निकलता है, तो इन रिलीजियस आइडियाज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने लगे। इन रिलीजियस आइडियाज को इबादत खाने में डिस्कस किया, जिन्हें मजहर बोला, और इसके बाद अकबर ने सोचा कि एक इंटरप्रिटेशन इस्लामिक लॉ का एक से ज्यादा निकलता है, तो उसमें से जो भी इंटरप्रिटेशन हमें अच्छा लगे हम ले सकते हैं। तो अकबर बन गए इमाने आदिल ठीक है, जो गुड ऑर्डर होगा वो देने वाले। अकबर डिसकंटिन्यूज द डिबेट ऑफ द इबादत खाना। 1578 में जो डिसकंटिन्यू करते हैं इबादत खाना, जो 78 में स्टार्ट होता है, 1582 में इसको डिसकंटिन्यू करते थे, अब ओपन डिस्कशन नहीं होगा। फिर वो क्या करते हैं, तोहदे इलाही ठीक है, एक रिलीजन होता है इबादत खाना के डिस्कशन के बाद जो निकलता है, डिवाइन मोथोटिज्म जो 1582 में लाते हैं। तो बदायूं ही अलीस करते हैं, अकबर एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश करना चाहते थे, पर ये ऐसा नहीं था, ये इनका रिलीजन नहीं था, ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट आइडियोलॉजी थी, और अकबर ने इसमें अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु बनाया, और जो इनके पास आएंगे तो दे लाई है दीनी लाही में वो पीस एंड टॉलरेंस को फॉलो करेंगे, और यहाँ पर लोग जो आएंगे अकबर उनको राय देंगे, अकबर को सिजदा पैबोस करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और अकबर भगवान की तरह उनको समझाएंगे। ये पॉलिटिकल टूल था डिवोटी बनाने के लिए मुगल थ्रोन के, और इसमें सबसे पहले बीरबल, अब्दुल फजी और फैजी जैसे लोग थे जिन्होंने इसको लिया था, बाकी वर्चुअली ये इन्हीं के साथ मर गया, इसके बाद और कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं रहा। इनके कुछ नवरत्न है, तो नवरत्न आपको याद करने हैं ये, और ये पूरा का पूरा टेबल एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके रट डालिएगा,
इससे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, अगले लेक्चर तक का वेट।